Hello students, welcome to Concept Box. Clear your concept with Neha ma'am. And in this session, we are going to cover transcription, translation, genetic code, timestamp आपको comment box में मिल जाएगा. वहाँ आपको जो भी topic समझना है, उस topic पे click करके direct आप उस topic तक पहुँच सकते हैं. And अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मस्ट सब्सक्राइब, बिकॉज मेरे चैनल में एनसीईआरटी की एक एक लाइन डिटेल से एक्सप्लेन की जाती है. इसके अलावा आपको मिलते हैं ब्रेन हैक्स, बायोलॉजी के बहुत सारे ट्रिक्स और नीट से रिलेटेड अपडेट, और नीट के अलावा जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अपडेट्स मेरे चैनल में आपको मिल जाते हैं. सो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन से. ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि जैसे अनुवाद करना, किसी चीज को ट्रांसक्रिप्टेड करना. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? रेप्लिकेशन में क्या हो रहा था? डीएनए से डीएनए बन रहा था. यहाँ पे हम कॉपी तो कर रहे हैं लेकिन थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में. डीएनए से हम क्या बना रहे हैं? आरएनए बना रहे हैं. तो डीएनए से क्या बना रहे हैं? हम आरएनए बना रहे हैं. मतलब ये उसी तरह से है कि जैसे एक लैंग्वेज में कोई चीज लिखी हुई है, हाँ, मान लीजिए स्पेनिश में कोई चीज लिखी हुई है और आपको वो चीज हिंदी में चाहिए. ओके, तो आपने डीएनए को समझिए स्पेनिश है और आप कि ये हो गई हिंदी वाली, क्या हो गई? आरएनए हो गई. तो ट्रांसक्रिप्टेड हो गई. वही सेम चीज है लेकिन थोड़ी सी भाषा अलग हो गई. ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन में यही होता है कि डीएनए से डीएनए ही नहीं होता है. मतलब स्पेनिश से स्पेनिश नहीं होकर के स्पेनिश से क्या हम कर रहे हैं? हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं. डीएनए इंटू आरएनए. एक ही जगह पे क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा. एक ही जगह पे टी के नहीं यू आ जाएगा. सो इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन. द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. तो यहीं से क्वेश्चन बेटा पहला आपका बनता है कि टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए से नहीं बनता है. हमने अभी तक रेप्लिकेशन में क्या देखा था कि दोनों स्ट्रैंड डीएनए के ऐसे खुलते हैं एंड देन दोनों स्ट्रैंड क्या कहलाते हैं? पेरेंट स्ट्रैंड कहलाते हैं. एंड पेरेंट से जो नए स्ट्रैंड बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डॉटर स्ट्रैंड. ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों स्ट्रैंड को नहीं यूज करके सिर्फ एक स्ट्रैंड यूज करेंगे जिससे कि आरएनए बनेगा, और उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं. जिस स्ट्रैंड का हम यूज करेंगे उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, और जिस स्ट्रैंड का हम यूज नहीं करेंगे हम उसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं. जबकि ये किसी चीज के लिए कोड नहीं करा, इसका नाम क्या होना चाहिए? नॉन कोडिंग. लेकिन उस समय रखा गया नाम कोडिंग, तो वही चलता आ रहा है. सो दिस इज द कोडिंग स्टैंड. और टेम्पलेट याद रखना है कि टेम्पलेट स्टैंड से ही आरएनए बनेगा. कोई चीज हम देखते हैं ना एज ए टेम्पलेट, तब उससे हम क्या कर रहे हैं? भाषा को चेंज कर रहे हैं. ठीक है, टेम्पलेट देख करके कि अच्छा यहाँ पर ये लिखा हुआ है, फिर हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट, हेयर ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल लगेगा, मतलब ए के साथ यू जाएगा, सी के साथ जी जाएगा. ओके, एक्सेप्ट द एडिनोसाइन. सारा कॉम्प्लीमेंट्री वाला ही चलेगा लेकिन एडिनोसाइन के साथ क्या चलेगा? यूरैसिल चलेगा इंस्टीड ऑफ थायमीन. तो however, unlike in the process of replication, which once set in, the total DNA of the organism get duplicated. एक और चीज क्या डिफरेंस है रेप्लीकेशन से ट्रांसक्रिप्शन में, कि रेप्लिकेशन में क्या होता था कि पूरा का पूरा डीएनए कॉपी होता था, लेकिन यहाँ पर डीएनए का कुछ एक स्ट्रैंड ही होगा. अगर ये पूरी डीएनए है तो डीएनए का मान लो कुछ स्ट्रैंड होगा, कुछ मान लो इतना सा ही स्ट्रैंड है. फिर यहाँ पर इतना सा ही स्ट्रैंड है जो क्या बना रहा है? एमआरएनए बना रहा है, जो कि आरएनए बनाएगा. पूरा स्ट्रैंड नहीं बनाएगा क्योंकि, और इस स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं? जो ट्रांसक्रिप्ट हो जाता है इस स्ट्रैंड को हम जीन बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं. ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं ये वाले स्ट्रैंड को, जिससे एमआरएनए बन रहा है और फिर आगे चल के प्रोटीन बनेगा. ओके, और बाकी जो मैक्सिमम जगह जो होती है ना वो उससे आपका उससे आपका आरएनए नहीं बनता है, वो किसी प्रोटीन को नहीं बनाता है. ये आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ चुके होंगे या फिर आगे पढ़ेंगे. So in transcription, only a segment of DNA, only one strand of DNA is copied to RNA. तो पूरा का पूरा स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड कॉपी होता है लेकिन पूरा का पूरा स्ट्रैंड कॉपी नहीं होता है. उसमें भी एक स्ट्रैंड में भी छोटा सा पोर्शन से कॉपी होता है, जिसको हम जीन बोलते हैं या फिर स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं. दिस नेसेसिटेट्स डिफाइन द बाउंड्रीज दैट टू डेमोक्रेट द रीजन एंड द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट वुड बी ट्रांसक्रिप्ट. ये बताती है कि कौन सा डीएनए का कौन सा पार्ट ट्रांसक्रिप्ट होगा और कौन सा स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्ट होगा, और उसका स्ट्रैंड का भी कौन सा पार्ट ट्रांसक्रिप्ट होगा. व्हाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्यों दोनों स्ट्रैंड कॉपीड नहीं होते हैं? इसलिए नहीं होते हैं, दो रीजन है इसके. फर्स्ट, इफ बोथ द स्ट्रैंड्स एक्ट एज अ टेम्पलेट. अगर दोनों ही टेम्पलेट बन गए, अगर ये स्ट्रैंड भी टेम्पलेट बन गया, ये भी टेम्पलेट बन गया, दोनों ही अगर टेम्पलेट बन जाएंगे, दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विथ डिफरेंट सीक्वेंस. ये क्या करेंगे कि ये कोड करेंगे आरएनए मॉलिक्यूल के लिए जो कि डिफरेंट सीक्वेंस के होंगे. रिमेंबर कॉम्प्लीमेंट्री डज नॉट आइडेंटिकल. ठीक है, जो mRNA बनेगा वो आइडेंटिकल नहीं है, एंड इन टर्न इफ द कोड फॉर प्रोटीन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द प्रोटीन वुड बी डिफरेंट। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब कि अगर आपको ब्लू आइज की प्रोटीन चाहिए, ब्लू आइज बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, तो उसके अलग अलग तरह के प्रोटीन बनने लगेंगे। तो आपका जो बॉडी है ना वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। अगर नोज के लिए एक पर्टिकुलर नोज के लिए प्रोटीन बनाना है, हेयर के लिए प्रोटीन बनाना है, तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनने शुरू हो जाएंगे सेम चीज के लिए। तो उससे क्या होगा कि बॉडी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगी, कंफ्यूज हो जाएगी। हैंस वन सेगमेंट ऑफ डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन। एक सेगमेंट डीएनए का जो होगा वो क्या करेगा, दो डिफरेंट प्रोटीन के लिए कोड करना स्टार्ट करेगा। एंड दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। ठीक है, ये बिल्कुल कंफ्यूज कर देगा। सेकेंड है द टू आरएनए मॉलिक्यूल इफ प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली। मान लो दो आरएनए मॉलिक्यूल, यहाँ से भी आरएनए निकल रहा है, यहाँ से भी आरएनए निकल रहा है, तो दो आरएनए मॉलिक्यूल अगर निकलेंगे तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाने के बाद क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होते हैं, पटाख से चिपक जाती है ना एक दूसरे से। सो ये क्या हो जाएंगे, डीएसआरएनए बन जाएंगे। और डीएसआरएनए से, डबल स्टैंडर्ड आरएनए से कभी भी प्रोटीन नहीं बनता, डीएसआरएनए से कभी भी प्रोटीन नहीं बनता। तो यहीं पर प्रोटीन का सिंथेसिस क्या होगा, रुक जाएगा एक तरह से। तो ये रीजन भी हो सकता है, या तो ऊपर वाला हो सकता है या नीचे। सेकेंड, द टू आरएनए मॉलिक्यूल इफ प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, हैंस वुड फॉर्म अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए। This would prevent RNA from being translated into protein and exercise of transcription would be futile one. Okay, so जितनी ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा क्वेश्चन से भरा हुआ है आपका। तो यहाँ पर आपका सेकेंड क्वेश्चन बनता है असर्शन रीजन टाइप का, या फिर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ओके तो असर्शन रीजन का क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि ये जो आपकी पहली लाइन है ना, ये आपका असर्शन हो जाएगा। द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपी ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ये पहला असर्शन हो गया। रीजन में से, इन दोनों में से कोई भी रीजन आपको दे दिया जाएगा। सो अभी तक हमने क्या देखा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेप्लीकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। बच्चे ज्यादातर इसमें गलती करते हैं क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर उनको लगता है कि रेप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन दोनों सेम चीज है। तो रेप्लीकेशन में डीएनए ही बनता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है। जब भी हम किसी टॉपिक को डिफरेंशिएट करके पढ़ते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। रेप्लिकेशन में डीएनए के बोथ स्ट्रैंड्स यूज होते हैं, बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए यूज्ड। यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्टेड। यहाँ यूज में हम क्या बोल सकते हैं, रेप्लिकेट। ओके और सिंगल स्ट्रैंड में भी सम पार्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड इज ट्रांसक्रिप्टेड, उसका भी कुछ पार्ट ही ट्रांसक्रिप्ट होता है। ओके और क्या डिफरेंस हमने देखा है यहाँ पर। हाँ, रेप्लिकेशन में यहाँ एडेनिन पेयर विथ थाइमिन, यहाँ पर एडेनिन पेयर विथ यूरासिल। ओके नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन अब होता कैसे है, कौन कौन ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय द थ्री रीजन। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में तीन रीजन होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, तीन रीजन होते हैं। ओके तो ये डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, ये डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं। ये फर्स्ट स्ट्रैंड हो गया, ये सेकंड स्ट्रैंड हो गया। फर्स्ट स्ट्रैंड को हम क्या बोल रहे हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल रहे हैं, और नीचे वाले स्ट्रैंड को हम क्या बोल रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड को देख करके तो क्या बन जाएगा आपका, एमआरएनए बन जाएगा। वो भी कहाँ पर बनेगा, स्ट्रक्चरल जीन वाले एरिया पे बनेगा। लेकिन कोडिंग स्ट्रैंड का क्या, उसका क्या वजूद है यहाँ पर। कोडिंग स्टैंड पर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके प्रमोटर प्रेजेंट होते हैं एंड टर्मिनेटर प्रेजेंट होते हैं। तो मैम ये तो दोनों पे दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये जो गाड़ी है ना, ये जो इंजन है, ये किस पर टिकी हुई है, कोडिंग स्टैंड पर टिकी हुई है। ओके So there is a convention in defining the two strands of DNA in a structural gene of the transcription unit, since the two strands have opposite polarity and the DNA dependent RNA polymerase. और किसकी जरूरत पड़ती है? दो स्ट्रैंड डीएनए की है, दोनों स्ट्रैंड की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट सिर्फ एक ही होता है. तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ट्रांसक्रिप्शन में दोनों स्ट्रैंड की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक स्ट्रैंड की जरूरत पड़ती? नहीं, जरूरत दोनों की है, लेकिन सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट एक ही होता है. ओके, एंड कौन सा एंजाइम लगता है? चूंकि यहाँ पे आरएनए बनाना है, आरएनए बनाना है, आरएनए ही क्या करेगा, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा. तो यहाँ पर जो एंजाइम है वो कौन है? यहाँ पर जो एंजाइम है दैट इज डीएनए डिपेंडेंट. ये डीएनए पे डिपेंडेंट है, डीएनए के जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उस पे डिपेंडेंट है. तो इसका क्या नाम है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ट्रांसक्रिप्शन है प्रोकैरियोट्स में अलग होता है, यूकैरियोट्स में अलग होता है. तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करके, टेबल बना करके हमको पढ़ना बहुत जरूरी है. Since the two strands have opposite polarity and the DNA dependent RNA polymerase also catalyze the polymerization in only one direction. लेकिन ये किस डायरेक्शन में काम करेगा? बिल्कुल वहां पर, जैसे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन में वर्क कर रहा था, यहाँ पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी 5' to 3' क्या बनाएगा? एमआरएनए बनाएगा. जो एमआरएनए वो बनाएगा 5 to 3 बनाएगा, और रीड कैसे करेगा? 3 to 5. ये लोग उल्टा पढ़ते हैं, ठीक है. ये हमेशा दोनों जो है ना, जितने भी पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, ये हमेशा उल्टा पढ़ते हैं किताब को, 3 to 5 पढ़ते हैं. और बनाते कैसे हैं? नोट्स जो ये बनाते हैं ना, छोटा सा नोट्स जो बनाते हैं वो 5 to 3 बनाते हैं. ओके, सो द स्ट्रैंड्स दैट हैज पोलैरिटी 3 to 5 एक्ट एज ए टेम्पलेट. तो अगर ये 5 to 3 पढ़ेगा, सिंपल सी बात हमेशा याद रखना है कि ये 5 to 3 अपना एमआरएनए बनाते हैं जितने भी पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं. तो ऑब्वियसली जो अपोजिट स्ट्रैंड होगी, जिसको ये एज ए टेम्पलेट मानेंगे, वो क्या होगी? 3 to 5 होगी. एंड इज ऑल्सो रेफर टू एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड. द अदर स्ट्रैंड विच हैज द पोलैरिटी 5' to 3' एंड द सीक्वेंस सेम एज आरएनए. इसका जो सीक्वेंस होगा ना, ये सेम आरएनए के जैसा रहता है, नीचे वाले का सीक्वेंस सेम आरएनए जैसा होता है, बस यू के जगह, यूरासिल के जगह थाइमीन होता है, ठीक है, नीचे वाले में. is displaced during transcription. Strangely, this strand which does not code for anything, किसी चीज के लिए कोड नहीं कर रहा, लेकिन इसका नाम क्या है? कोडिंग स्ट्रैंड है. All the reference point while defining a transcription unit is made with coding strand. जितने भी रेफरेंस, इसी को एज अ रेफरेंस माना जाता है, कोडिंग स्ट्रैंड को ही एज अ रेफरेंस माना जाता है. ऑल द रेफरेंस पॉइंट व्हाइल डिफाइनिंग अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विद द कोडिंग स्ट्रैंड. कि प्रमोटर होगा, टर्मिनेटर होगा, ठीक है, ये सब किसके रेफरेंस पे होता है? कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस पे. टू एक्सप्लेन द पॉइंट, हाइपोथेटिकल सीक्वेंस फ्रॉम अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बिलो. टेम्पलेट स्ट्रैंड अगर दिया हुआ है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड कैसे होंगे? अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया हुआ है ATGC तो क्या होगा? TACG, फिर ATGC तो DACG. सेम आपका जैसे डीएनए होता है कॉम्प्लीमेंट्री, वैसे होगा. लेकिन अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड ये है और हम एमआरएनए बनाएंगे तो क्या बनेगा? A की जगह U आ जाएगा, T की जगह G आ जाएगा, और G की जगह C, और C की जगह G. मतलब जहां जहां भी आपका A है, बस वहां पर चीजें चेंज होंगी, बाकी जैसे चलती आती है डीएनए में वैसा ही होगा. तो इस तरह से आपका ये क्या बन जाएगा? एमआरएनए बन जाएगा. तो ये काम करेगा कौन? ये काम करने वाला जो एंजाइम है वो है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. ओके, द प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चर जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड एट 5' एंड अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन. ये कहाँ पे लोकेटेड है? देखिए कहाँ पे लोकेटेड है? 5' एंड पे. और 5' एंड कहाँ पे दिया हुआ है? नीचे कोडिंग स्ट्रैंड में. तो ये लोकेटेड कहाँ होंगे? इनका जो बेस है, आधार है, कहाँ होगा? सिर्फ और सिर्फ कोडिंग स्ट्रैंड पे होगा, इसलिए इनका नाम कोडिंग रख दिया है. सो इट इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज एंड इट इज अ प्रेजेंस ऑफ अ प्रमोटर इन अ ट्रांसक्रिप्शन. प्रमोटर के बारे में बात हो रही है कि प्रमोटर एक ऐसा डीएनए सीक्वेंस है जो कि बताएगा कि कहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा. एंड प्रमोटर रीजन पे कैसे पता चलता है आरएनए को कि यहाँ से बाइंड होंगे? या तो वहां पर सिग्मा फैक्टर होगा. ओके, सिग्मा फैक्टर किसमें प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोट्स में. या फिर वो क्या देख करके वहां पर बाइंड करेगा? या फिर स्टार्ट कोडॉन देख करके बाइंड करेगा, स्टार्ट कोडॉन. ओके, So it is that presence of promoter in a transcription unit that also define the template and the coding stand. By switching its position with terminator, the definition of coding and template stand should be reversed. फिर लास्ट में आपका क्या आ जाता है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर में क्या होगा कि रो फैक्टर होंगे, टर्मिनेटर में रो फैक्टर होंगे, रो फैक्टर होंगे, रो फैक्टर। रो फैक्टर किस केस में होंगे? यूकैरियोट्स के केस में होंगे, यूकैरियोट्स के केस में होंगे। या फिर यहाँ पर स्टॉप कोडॉन होंगे, स्टॉप कोडॉन होंगे जिसको देख करके आरएनए पॉलीमरेज रुक जाएगा। ठीक है, तो स्टॉप कोडॉन कौन हो सकते हैं? उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया। ठीक है, यही तीनों होते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक प्रेजेंट होगा तो आरएनए पॉलीमरेज रुक जाएगा। द टर्मिनेटर इज लोकेटेड 3 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड एंड इट यूजुअली डिफाइन द एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या बताता है कि ट्रांसक्रिप्शन का अब एंड हो गया है। ठीक है, टर्मिनेटर क्या बताता है? एंडिंग। एंड प्रोमोटर क्या बताता है? स्टार्टिंग। देयर आर एडिशनल regulatory sequence that may be present further upstream, downstream to the promoter. क्या बोल रहा है? इसके अलावा जहाँ पे promoter है, जहाँ पे आपका terminator है, उसके अलावा यहाँ पर इसके आगे इसके पीछे भी कुछ sequences present होते हैं जिनको UTR sequences बोला जाता है, UTR sequences बोला जाता है। Some of the properties of these sequences shall be discussed while dealing with the regulation of the gene expression. कुछ प्रॉपर्टी है जो हम कहाँ देखेंगे? जीन एक्सप्रेशन में देखेंगे। Now, transcription unit and the gene. A gene is defined as the functional unit of inheritance. Though there is no ambiguity that genes are located on the DNA, it is difficult to literally define a gene in terms of DNA sequence. So, जीन के बारे में हमको पता है कि डीएनए का कुछ ऐसा पोर्शन जो कोड करता है प्रोटीन के लिए जिससे कि ट्रांसफर होते हैं कैरेक्टर, वो कहलाता है जीन कहलाता है। So the DNA sequence coding for tRNA और RNA molecule also define a gene. इसमें क्या कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो mRNA बनाता है उसको हम जीन नहीं बोलते हैं, जो tRNA बनाता है, rRNA जो बनाता है, जो सेगमेंट DNA का, उसको भी हम जीन कहते हैं। However, by defining a cistron as a segment of DNA coding for a polypeptide, cistron क्या है DNA में? cistron क्या है? अगर ये DNA का पार्ट है, उसमें डीएनए का कोई सेगमेंट है जो कि पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड कर रहा है, और पॉलीपेप्टाइड को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन। ठीक है, सिर्फ एक सिंगल प्रोटीन के लिए कोड करेगा तो उसको मोनोसिस्ट्रॉनिक कहेंगे। ठीक है, और ऐसे सिस्ट्रॉन क्या है? ये पार्ट जो कि प्रोटीन बना रहा है। तो जीन हम सिर्फ उसको नहीं कहेंगे कि जो प्रोटीन बना रहा है। तो जीन क्या होगा? या तो वो mRNA बना रहा है, या tRNA बना रहा है, या rRNA बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, लेकिन मेनली अगर एक सिस्ट्रॉन को हम डिफाइन करेंगे तो डीएनए का वो ऐसा सेगमेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या बनाता है? पॉलीपेप्टाइड, मतलब कि प्रोटीन बनाता है। द स्ट्रक्चरल जीन इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, और जो स्ट्रक्चरल जीन है, अभी जो हमने देखा कि बीच में स्ट्रक्चरल जीन था प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में, तो स्ट्रक्चरल जीन इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेड एज मोनोसिस्ट्रॉनिक। और वो जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है, प्रमोटर था, यहाँ पे टर्मिनेटर था, और बीच में क्या था? स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। तो जो स्ट्रक्चरल जीन है, या तो ये सिंगल प्रोटीन बनाएगा, सिंगल प्रोटीन, सिंगल प्रोटीन, सिंगल प्रोटीन अगर ये बनाएगा तो ऐसे स्ट्रक्चरल जीन को हम क्या कहेंगे? मोनोसिस्ट्रॉनिक, मोनोसिस्ट्रॉनिक। और ये किसके केस में होता है? यूकैरियोट्स के केस में होता है, हम में होता है, यूकैरियोट्स के केस में होता है। लेकिन अगर ये बहुत सारे एक स्ट्रक्चरल जीन से, जो कि आप लैक ऑपरेशन में पढ़ेंगे, एक स्ट्रक्चरल जीन से तीन चार तरह के अगर प्रोटीन बनते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोलते हैं। मोस्टली बैक्टीरिया में हम देखते हैं, बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स में ऐसा देखने को मिलता है। सो इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस। द जीन इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट। द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस आर डिफाइंड एज एक्सॉन। मैंने बताया ना, ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग है। एक तो क्या है कि स्ट्रक्चरल जीन से अलग अलग तरह का प्रोटीन बन सकता है प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में क्या है? स्ट्रक्चरल जीन से एक ही तरह का प्रोटीन बनेगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो mRNA बन के आ रहा है, डीएनए से जो mRNA बन के आ रहा है, वहां पे जो mRNA हमें जो बनता है, यूकैरियोट्स में जो mRNA बनता है ना, उसमें वो ना थोड़ी सी इंटरप्टेड कोडिंग प्रेजेंट होती है। उसमें बीच बीच में कुछ गलतियां हैं। जैसे मान लो कि डीएनए में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए बाबा है, ठीक है। डीएनए बाबा को पता है कि ब्लू आइज कैसे बनेगी, सुंदर सा चेहरा कैसे बनेगा। तो भाई एमआरएनए गया उसके पास कि भाई कैसे हमको ये प्रोटीन मिलेगा बताओ, सुंदर चेहरा, एकदम चमकदार चेहरा, इसका प्रोटीन चाहिए, ब्लू आइज का प्रोटीन चाहिए, पाउट वाले लिप्स का प्रोटीन चाहिए, है ना। तो उसका सारा सीक्वेंस चाहिए हमें। तो एमआरएनए जब गया तो उन्होंने वो जब कोडिंग बता रहे थे कि अच्छा ये चीजें हैं, ये चीजें लगेंगी, उसके साथ वो बीच बीच में कुछ और भी कह रहे थे। जैसे अरे यार यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, अरे यहाँ बहुत, हाँ मुझे पानी मिलेगा क्या, इस तरह की चीजें। लेकिन एमआरएनए को कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो किस अलग भाषा में है, ठीक है। तो वो सब कुछ लिखता गया। बाद में पता चला कि अरे ये एमआरएनए ने तो फालतू बातें भी लिख ली हैं। जैसे कभी कभी ना आप चाय का इंग्रेडिएंट गूगल में सर्च करने जाओ तो बहुत से बीच बीच में ऐड आते हैं या बहुत कुछ लिखा होता है बीच बीच में जो आपके यूज का नहीं होता, तो हम क्या करते हैं उसको हटाते जाते हैं। तो ऐसे ही जो ट्रांसक्रिप्टेड होकर के आया ना, उसमें बहुत सी फालतू की इंटरप्टेड चीजें भी लिखी हुई थी जिसको हमको क्या करना है, कट करना है। ओके, हमको सिर्फ क्या रखना है, एक्सॉन को रखना, और जो इंटरप्टेड चीज है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रॉन्स बोलते हैं। तो इंट्रॉन्स को कट किया जाता है। ये चीज प्रोकैरियोट में नहीं होता है। एक्सॉन आर सेड टू बी दो सीक्वेंसेस दैट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। तो जिसमें सिर्फ एक्सॉन होता है वो मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए होता है, और जिसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एचआरएनए बोलते हैं, ठीक है। और यूकैरियोट्स के स्प्लिटिंग को हम क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग बोलते हैं। So the exon are interrupted by the intron. Exon are interrupted by the intron. और ऐसे डीएनए, ऐसे एमआरएनए सीक्वेंस को जिसमें कि exon, intron दोनों हैं, exon प्लस intron दोनों हैं, ऐसे एमआरएनए को हम क्या बोलते हैं, एचएनआरएनए बोलते हैं। ओके, इससे जब इंट्रॉन निकाल दिया जाता है तो क्या बनता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन बच जाता है, और उसको हम प्रोसेस्ड और मैच्योर एमआरएनए कहते हैं। सो इंट्रॉन्स आर इंटरविंग सीक्वेंस डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। इंट्रॉन्स आगे नहीं जाता है। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट द डिफिनेशन ऑफ ए जीन इन द टर्म्स ऑफ ए डीएनए सेगमेंट। ये फिर से कॉम्प्लिकेट कर रहा है कि भाई स्प्लिट जीन वो जो पार्ट है वो फिर क्या कहलाएगा, इंट्रॉन्स क्या कहलाएगा, समझ गए। नेक्स्ट, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा। तो अब हम इसको रिकैप कर लेते हैं। जब भी हम किसी भी टॉपिक को, अगर हम ट्रांसक्रिप्शन, हम इस तरह के टॉपिक को अगर हम डिफरेंशिएट कॉलम बना के पढ़ लेते हैं तो लाइफ लॉन्ग याद रहता है। सो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है ट्रांसक्रिप्शन में? प्रोकैरियोट्स में क्या होगा एंड यूकैरियोट्स में क्या होगा? प्रोकैरियोट्स, सबसे पहले प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है बच्चे, वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ही ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों हो जाते हैं एंड कपल प्रोसेस होते हैं। ओके, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड प्रोसेस। मतलब कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। पूरा एमआरएनए बना भी नहीं है कि जितना बना है उतना साथ साथ ट्रांसलेशन चलते जा रहा है। जैसे मान लो कि घर में खाना बन रहा है, पूड़ियां बन रही हैं, तो आप क्या करते हो, मम्मी ने, मतलब पूरा खाना बना भी नहीं है, पूरी सब्जी अच्छे से पकी भी नहीं है, पूड़ियां एक ही बनी है, लेकिन आपको बहुत तेज भूख लगी है, तो आप क्या कर रहे हो, फटाफट पूड़ी लेते जा रहे हो। हाँ, पूड़ी सब्जी खाना शुरू कर दिया कि अच्छा बनते, खाते खाते थोड़ा थोड़ा और बनते जाएगा, करते हैं ना। तो वैसे ही इनके सेल में क्या होता है, सेल में, साइटोप्लाज्म में यही के यही डीएनए से एमआरएनए बन गया, और एमआरएनए बन रहा है, आधा ही बना है कि ये देख लिया कि भाई अच्छा कच्चा माल, टीआरएनए यहीं पर है, ये देख रहा है कि अच्छा कच्चा माल क्या क्या चाहिए। हाँ, जैसे कि आपको लिस्ट, आपको ना घर में कोई फंक्शन है, कोई लिस्ट आपको थमा दिया जा रहा है कि अच्छा तुमको ये लाना है, तो तुमको आधा ही लिस्ट बना है और तुम फटाफट जा करके सामान लेकर के आ रहे हो, ठीक है, फटाफट, क्योंकि वहीं पे बगल में दुकान है, तुम फटाफट, तुम tRNA हो, ठीक है, और मम्मी जो है mRNA है, तो मम्मी ना लिस्ट बना रही है कि अच्छा, और जो डीएनए है वो डीएनए है जो वो क्या है, पंडित जी है, तो मम्मी क्या कर रही है, mRNA है, मम्मी फटाफट लिस्ट बना रही है, पंडित जी से पूछ पूछ के, पंडित जी संस्कृत में बोल रहे हैं, तो मम्मी जो है mRNA है, लिस्ट बना रही है। उसके बाद तुम tRNA हो, वहीं के वहीं फटाफट सामान ले रहे हो, बगल में ही दुकान है, फटाफट फटाफट सामान लेते जा रहे हो, मम्मी ने पूरा लिस्ट बनाया भी नहीं और तुम फटाफट फटाफट सामान लेते जा रहे हो, ठीक है। तो साथ ही साथ क्या हो रही है, ट्रांसलेशन हो रही है। और फिर पापा क्या कर रहे हैं, पापा राइबोसोम है, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, पापा फटाफट उन चीजों को लेकर के हलवा पूरी खीर सब बनाए जा रहे हैं, भोग का तैयारी करते जा रहे हैं। पापा बहुत अच्छे हैं, जनरली ऐसा होता नहीं है कि पापा घर का खाना बनाते, तो पापा जो है ना ये सारी चीजें बनाए जा रहे हैं, ओके। ये क्या बना रहे हैं पापा, प्रोटीन बना रहे हैं, ऐसा होता है। जब कोई बड़ा फंक्शन हो तो सब मिल करके काम करते हैं। तो इनमें क्या हो रहा है कि भाई एक ही हॉल है, एक ही हॉल में पढ़ना लिखना खाना पीना नहाना सब हो रहा है, तो सब सारा काम फटाफट 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 हो रहा है। लेकिन यूक्रियोट्स में क्या है कि भाई सभी कमरे के चारों ओर, सभी ऑर्गेनेली के चारों ओर क्या है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कहाँ होगा, न्यूक्लियस में होगा, क्योंकि इनके जो डीएनए बाबा हैं, वो डीएनए बाबा हैं वो कहाँ बैठे हैं, डीएनए कहाँ बैठा है इसका, न्यूक्लियस में बैठा है, ठीक है। तो mRNA को भाई न्यूक्लियस के अंदर जाना पड़ेगा, ओके, mRNA को न्यूक्लियस के अंदर जाना पड़ेगा, डीएनए बाबा से पूछना पड़ेगा, मतलब मम्मी जो है आपकी mRNA, जाना पड़ेगा मंदिर कि भाई बताओ, लिखा दो सामान लिखा दो। उसके बाद फिर बाहर आएंगी, फिर घर जाएंगी, तो तुम tRNA हो, तुम सामान लेकर के आओगे, एक एक सामान मैच करोगे कि यही सामान चाहिए था कि नहीं, ठीक है। सो बिल्कुल उसी तरह से ये वर्क करता है। हमारे डेली लाइफ से रिलेट करके अगर आप चीजों को जोड़ोगे ना तो आप कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि रिलेटेबल चीजें, जब हम माइंड को चीजों को, जनरल चीजें से जब रिलेट करते हैं तो चीजें याद रखनी आसान हो जाती है। सो न्यूक्लियस में होता है। दूसरा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कपल प्रोसेस नहीं है, आर नॉट कपल्ड, ठीक है, मैं उतना लिख नहीं रही हूँ, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नॉट कपल्ड। फिर तीसरा क्या है कि प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में आपका सिग्मा एंड रो फैक्टर्स यूज, ठीक है, सिग्मा कहाँ यूज होता है, प्रमोटर में, और रो यूज होता है टर्मिनेटर में। लेकिन यहाँ पर नो सिग्मा एंड रो यूज, सिग्मा और रो फैक्टर की यूज नहीं होती है। इसमें सिंगल आरएनए पॉलीमरेज, एक ही बंदा सारा काम कर रहा है। भाई प्रोकैरियोट्स गरीब टाइप का सेल है, कहाँ से इतने आदमी एफर्ट करेगा, वो एक ही बंदे से सारा काम करा रहा है, ठीक है। सिंगल आरएनए पॉलीमरेज transcript and form all type of RNA, हर तरह का RNA बना रहा है, mRNA, tRNA, rRNA। लेकिन यहाँ पर तीन भाई यहाँ पर यूज होते हैं, थ्री डिफरेंट RNA पॉलीमरेज। कौन कौन से, polymerase 1, polymerase 2 एंड polymerase 3, तीन डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज को यूज किया गया। भाई ये लोग आए, देखे, बोले भाई बढ़िया घर है, ये लोग तो भाई अच्छा पैसा देना चाहिए इन लोगों को, हम लोगों को, हाँ। तो तीन बंदे इन लोगों ने रख रखे हैं। पहला क्या बनाता है आपका, पहला वाला आरआरएनए बनाता है, दूसरा क्या बनाता है, mRNA बनाता है, और तीसरा क्या बनाता है, tRNA बनाता है। अब मैम इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग आता है और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। तो कैसे याद रखना है कि तीन भाई हैं, ठीक है, तीन भाई हैं, और ये तीनों भाई यूकैरियोटिक सेल में काम करते हैं। ये क्या बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, आरएनएस बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। और ये क्या गाते हैं, तू रमता जोगी है, ठीक है। तो र म ता, यह है 1, यह है 2, यह है 3, ठीक है। मैं रमता जोगी, ठीक है। तो rRNA, mRNA, tRNA, ये तीन लोग यहाँ काम करते हैं। अमीर घर, ज्यादा लोग काम पे रखा हुआ है, ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे तीन लोग काम कर रहे हैं, लेकिन काम में गलती भी निकल रही है। क्या गलती निकल रही, जो mRNA है वो बेहोश है बिल्कुल, हाँ, बेहोश है, वो कुछ का कुछ लिख के आ रहा है डीएनए से। एमआरएनए जब वो बना रहा है तो बहुत सारी इंटरप्टेड चीजें भी लिख करके आ रहा है, गलत कोडिंग भी करके आ रहा है। तो यहाँ पर इंट्रॉन्स हैं, इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन है, इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन। यहाँ पर कोई नो इंट्रॉन एक्सॉन, यहाँ पर एक ही बंदा काम कर रहा है लेकिन सही से काम कर रहा है, ठीक है, अच्छे से काम कर रहा है कि भाई मुझे ये सब करना है तो मैं अच्छे से करता हूँ। सो इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन है, और इंट्रॉन एक्सॉन वाले आरएनए को क्या बोलते हैं, एचएनआरएनए बोलते हैं। और फिर यहाँ पर क्या होती है, स्प्लाइसिंग होती है, स्प्लाइसिंग एंड कैपिंग एंड टेलिंग होती है। कैपिंग मिथाइल ग्वानोसाइन की कैपिंग होती है, एंड टेलिंग होती है एडिनाइलेट रेसिड्यू की टेलिंग होती है। और कैपिंग एंड टेलिंग स्प्लाइसिंग होती है, इंट्रॉन को हटाया जाता है चुटैया बना बना करके, ठीक है, उसको हटा दिया जाता है, स्प्लाइसोसोम बना दिया जाता है उसको। फिर कैपिंग टेलिंग होती है, तो ये क्या बन जाता है, ये जो एचएनआरएनए है ना, जो एचएनआरएनए था इस पर हमने क्या किया, ये हमारा भाई है, इस पे हमने कैप लगा दिया, इस पे हमने टेल लगा दिया, ये भाई हमारा बहुत अच्छा हो गया। अब ये भाई, तो ये हमारा जो भाई क्या बन गया, एमआरएनए बन गया। अब ये मैसेंजर बन गया, अब ये कहाँ जाएगा, डीएनए से बाहर जाएगा, किसके पास जाएगा, टीआरएनए के पास जाएगा। क्लियर। तो ये सारे डिफरेंस है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। ये आपको बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना है, 2 बार 3 बार पढ़ जाओ, या फिर अगर आप सिर्फ इतना ही लिख लोगे तो आपको पूरा प्रोसेस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। डिफरेंट डिफरेंट तरह के आरएनए किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। इन बैक्टीरिया देयर आर मेजर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। ठीक है, 3 तरह के आरएनए हैं। ऑल 3 इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, एंड इसको राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। ऑल 3 आरएनएज आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन अ सेल। इन तीनों की जरूरत होती है प्रोटीन बनाने के लिए, तो इन तीनों को बनाना पड़ता है सेल को पहले, ठीक है। द एमआरएनए प्रोवाइड द टेम्पलेट, टीआरएनए ब्रिंग्स अमीनो एसिड। एमआरएनए क्या करता है, पढ़ के आता है, ठीक है, मम्मी है एमआरएनए, मम्मी है, पढ़ के आता है, पढ़ के पंडित जी से सारा लिख करके आती है, अच्छा क्या क्या सामग्री चाहिए पूजा के लिए। टीआरएनए क्या कर रहा है, तुम हो, सामान लेकर के आ रहे हो, अच्छा ये सामान ये सामान ये सामान चाहिए भोग बनाने के लिए। फिर उसके बाद पढ़ पढ़ करके, रीड द जेनेटिक कोड, जो लिस्ट मिला है ना उससे पढ़ पढ़ करके तुम लेके आ रहे हो। फिर आरएनए जो पापा है ना वो क्या कर रहे हैं, वो उसको फिर स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल, जल्दी जल्दी, कैटालिस्ट क्या करता है, फास्ट काम करता है ना, तो पापा जो है बहुत फास्ट है, वो क्या कर रहे हैं, जल्दी 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 प्रोटीन बना रहे हैं, ट्रांसलेशन का काम कर रहे हैं। मतलब जो तुम कच्चा माल लेकर के आए हो सब चावल वगैरह दूध वगैरह मिला करके खीर बना रहे हैं, बहुत टेस्टी हलवा बना रहे हैं पापा, हाँ, और सजा रहे हैं, स्ट्रक्चर मतलब पूरा सजा रहे हैं उसको, ठीक है। तो पापा इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, सबके घर में मिल करके काम करना चाहिए लोगों को, हाँ। There is a single DNA dependent RNA polymerase that catalyzes transcription of all types of RNA in bacteria. Okay, there is a single DNA dependent RNA polymerase किसमें, बैक्टीरिया में। अभी हमने मैंने बताया कि एक सिंगल RNA polymerase होता है, वही सारा काम करता है बेचारा, वो हर तरह के RNA को बनाता है। RNA polymerase bind to promoter, ये कैसे काम करता है। 3 स्टेप्स होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेजेस होते हैं। इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन में क्या होता है बच्चे, इनिशिएशन मतलब ना स्टार्ट करना, तो प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज बैठ जाएगा। यस, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, प्रमोटर रीजन पे जाकर के, है ना, इंजन जहां पे लगी, स्टार्ट हो गई, ओके, यहाँ पर जाकर के बैठ गया आरएनए पॉलीमरेज, ओके, यहाँ पर जाकर के बैठ गया। और यहाँ पर बैठने के बाद अब ये क्या करेगा, यहाँ इधर जाएगा, इलोंगेशन वाले स्टेज में क्या जाएगा, स्ट्रक्चरल जीन वाले पार्ट पे जाएगा। ये प्रमोटर रीजन है, ओके, एंड इलोंगेशन वाले रीजन पे ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन। यहाँ पर क्या करेगा, डीएनए के इस स्ट्रैंड को देख करके, डीएनए के स्ट्रैंड को देख करके ये क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा। और एमआरएनए बनने के बाद अपने आप गिर जाता है, ठीक है। मतलब अगर न्यूक्लियस में है तो बाहर आ जाता है, और अगर साइटोप्लाज्म में है तो वहीं के वहीं गिर जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन से क्या बना दिया, एमआरएनए बना दिया एलोंगेशन वाले पार्ट में। So RNA polymerase bind to the promoter and initiates the transcription. It uses nucleoside triphosphate as a substrate. This is very very important. यहाँ पर ये क्या यूज करता है, यहाँ पर यूज करता है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज ए सबस्ट्रेट। और डीएनए रेप्लिकेशन में क्या यूज हो रहा था बच्चा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, रेप्लिकेशन में यूज हो रहा था सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या यूज हो रहा था, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सी लगता है, और यहाँ पर राइबोज शुगर होता है, तो डीऑक्सी नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा आपका न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, इसी को ले करके न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को ही साइटोप्लाज्म से उठा करके ये क्या करेगा, उठा करके साइटोप्लाज्म से उठा करके ये चेन बनाएगा, एमआरएनए की चेन बनाएगा। सो एंड पॉलीमरेज इन अ टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन फॉलोइंग द रूल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री। भाई ये रूल को फॉलो करके उसका बनाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से समझो कि जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, वो आप हो, आरएनए पॉलीमरेज आप हो। आपको एक बुक मिली हुई है जिसके पहले के कुछ पन्ने क्या होते हैं, प्रमोटर की तरह, और लास्ट के कुछ पन्ने टर्मिनेटर की तरह। लास्ट का कुछ पन्ना देख के आपको समझ में आ जाता ना, लास्ट में समरी आंसर वगैरह दिए होते हैं, तो आपको पता है कि ये लास्ट का पन्ना है, टर्मिनेटर अब नहीं पढ़ना मेरे को, शुरुआत का पन्ना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो आपने स्टार्ट की, फिर जो बीच का जो मेन पार्ट होता है वहां से आप क्या बनाते हो, छोटे से नोट्स बनाते हो। तो पूरा देख करके उसके अकॉर्डिंग आपने छोटा सा नोट्स बनाया, दैट इज एमआरएनए, ठीक है। अब टर्मिनेटर रीजन पे आप पहुंच गए। It somehow also facilitates the opening of the helix and continue elongation. Okay, ये क्या करता है जो आरएनए पॉलीमरेज है, साथ साथ एलोंगेशन तो करता ही है, और साथ साथ क्या करता है, हेलिक्स को ओपन करने में भी हेल्प करता है। Only a short stretch of RNA remain bound to the enzyme once the polymerase reaches द टर्मिनेटर रीजन। जैसे ही पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन में पहुंच जाता है, द नेसेंट का मतलब क्या होता है, न्यूली फॉर्म जो है ना, न्यूली फॉर्म जो आरएनए है, जो नया आरएनए बना है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एमआरएनए, जो नया आरएनए बना है, फॉल्स ऑफ गिर जाता है। सो एज द आरएनए पॉलीमरेज, जैसे ही वो नीचे गिरता है, और साथ साथ नीचे मतलब आप वहीं पे साइटोप्लाज्म में, ठीक है, नीचे गिरता है, वहीं पर आरएनए पॉलीमरेज भी हट जाता है, ठीक है। दिस रिजल्ट इन द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। तो एक एक लाइन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं बेटा यहाँ से, कि किस तरह का सबस्ट्रेट यूज हो रहा है, ओके, कितने तरह के आरएनए पॉलीमरेज बैक्टीरिया में यूज होते हैं, कितने तरह के आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट में यूज होते हैं, इनका फुल फॉर्म क्या है, एमआरएनए, टीआरएनए, इनका फुल फॉर्म क्या है, इनिशिएशन में क्या होता है, एलोंगेशन में क्या होता है, टर्मिनेशन में क्या होता है, या फिर पहले इलोंगेशन होता है बाद में इनिशिएशन होता है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या देखा, बैक्टीरिया के केस में हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है, यहाँ ये प्रमोटर रीजन है, प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा। कैसे बाइंड होगा प्रमोटर में, उसको एक हेल्प चाहिए, उसको किसकी हेल्प चाहिए, को फैक्टर की हेल्प चाहिए, दैट इज सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर यहाँ पर मदद कर रहा, बोल रहा है आइए यहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चरल जीन है, उसको पढ़ना है, उसको मतलब ये दूसरे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये सिग्मा फैक्टर हेल्प कर रहा है, हेलो आओ यहाँ से पढ़ना है। फिर आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आकर के बैठ गया सिग्मा फैक्टर के साथ, है सिग्मा फैक्टर लेने आया है, चलो भाई आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर बैठ गया सिग्मा फैक्टर के साथ। फिर उसने यहाँ पर क्या किया, एलोंगेशन में बना दिया, एमआरएनए बना दिया, एमआरएनए गिर गया, और ठीक है, एमआरएनए बना रहा है यहाँ पे, टर्मिनेशन में एमआरएनए क्या हुआ, गिर गया, एंड टर्मिनेशन में रो फैक्टर होता है, रो फैक्टर रो के बोलता है बाय बाय पॉलीमरेज, फिर आगे मिलेंगे, ओके। सो इसको ये विदाई दे रहा है, रो करके ये विदाई दे रहा है, मोटे मोटे आंसू गिरा रहा है, खून के आंसू तो कैसे याद रखना है कि सिग्मा जो है स्टार्ट कराता है, रो फैक्टर रो रो के बंद कराता है, टर्मिनेशन कराता है। तो ये वाला डायग्राम आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इसका लेबलिंग आ सकता है बेटा, ऐसे हल्के में मत लेना इस डायग्राम को। नेक्स्ट, an intriguing question is that how is the RNA polymerase able to catalyze all the three steps? कैसे कर पाता है अकेला इतना काम, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन? The RNA polymerase is only capable of catalyzing the process of elongation. ये क्या बोल रहे हैं? अभी तक तो बोल रहे थे इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन सब RNA कर रहा है, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं? नहीं, RNA polymerase सिर्फ elongation कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाई प्रमोटर में तो कौन बैठा है? रो फैक्टर, सॉरी प्रमोटर में तो कौन बैठा है? सिग्मा फैक्टर बैठा है, इसकी मदद से कर रहा है। ठीक है, इनिशिएशन फैक्टर की मदद ले रहा है, को फैक्टर की मदद ले रहा है। तो ये काम कौन कर रहा है? मेनली सिग्मा फैक्टर, वो बता रहा है कि हाँ यहाँ पर बैठना है। टर्मिनेशन में कौन है? रो फैक्टर है, तो ये इनिशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर प्रमोटर में सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन ले रहा है, टर्मिनेटर में ये इनिशिएशन ले रहा है। ठीक है, इनिशिएट एंड टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन, तो मेन काम कौन कर रहा है? तो अगर आपको स्टेटमेंट आता है, इस तरह का क्वेश्चन स्टेटमेंट आता है, या फिर आपको असर्शन आता है कि ये सिर्फ इलोंगेशन करता है, रीजन में आ जाता है बिकॉज सिग्मा एंड रो इनिशिएट एंड टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन, तो सही होगा। कभी ये मत सोचना कि भाई इलोंगेशन का काम नहीं, वो तो सारा काम कर रहा है, तो दिमाग में बिठा लो ये सिर्फ इलोंगेशन का काम कर रहा है, समझ गए? सो एसोसिएशन विद दीज फैक्टर ऑल्टर द स्पेसिफिसिटी, एसोसिएशन विद दीज फैक्टर ऑल्टर द स्पेसिफिसिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू ईदर इनिशिएट और टर्मिनेट। ठीक है, तो इनका काम है भाई इनिशिएशन, टर्मिनेशन, ये सब क्या कर रहा है? इलोंगेशन कर रहा है। इन बैक्टीरिया सिंस द एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव, एमआरएनए में कोई प्रोसेसिंग नहीं चाहिए, स्प्लाइसिंग नहीं चाहिए, कैपिंग टेलिंग नहीं चाहिए, इस तरह का कुछ होता ही नहीं है। तो क्यों? क्योंकि इसमें तो भाई सब कुछ सेल के अंदर ही हो रहा है, सेल के अंदर ही हो रहा है। ये डीएनए है, ये डीएनए है, इस तरह से डीएनए पड़ा हुआ है इनका, डीएनए से भाई क्या बन गया? एमआरएनए बन गया, एमआरएनए बन गया। अब एमआरएनए भाई एमआरएनए बन रहा है धीरे धीरे, और यहीं पर कौन बैठे हैं? टीआरएनए साहब बैठे हैं, है ना, टीआरएनए बैठे हैं। टीआरएनए इसको पढ़ पढ़ करके, इसको पढ़ पढ़ करके क्या कर रहा है? अमीनो एसिड ला रहा है, और फिर इस पे राइबोसोम्स, राइबोसोम्स बैठ रहे हैं। राइबोसोम्स अलग अलग तरह के बैठते हैं, पता है, इसमें 3-4 राइबोसोम बैठ जाते हैं, मतलब अलग अलग तरह के नहीं, 3-4 राइबोसोम बैठ जाते हैं। और ये 3-4 राइबोसोम बैठते हैं, इसलिए ये 3-4 तरह के, डिफरेंट तरह के, एक सिंगल एमआरएनए जो स्ट्रैंड है ना, उससे 3-4 तरह के प्रोटीन बना पाता है, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, इसलिए पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोलते हैं। और हमारे में क्या होता है? सिंगल राइबोसोम ऐसे उछल उछल के काम करता है, समझ गए? तो एक एक कॉन्सेप्ट बच्चे मैं आपका क्लियर कर रही हूँ। अगर आप ध्यान से लेक्चर सुन लोगे, उसके बाद एक बार रिवाइज कर लोगे इस लेक्चर को, तो बिल्कुल एकदम मक्खन हो जाएगा ये चैप्टर। एक एक क्वेश्चन बनेंगे आपसे। एंड ऑल्सो सिंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट, नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल, न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया, कुछ है ही नहीं, एक ही कंपार्टमेंट में हो रहा है, एक ही कंपार्टमेंट, नहाना धोना खाना पीना सब हो रहा है। ठीक है, सो मेनी टाइम्स द ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच मोर बिफोर द एमआरएनए इज फुल्ली ट्रांसक्रिप्ट। बताया ना कि एमआरएनए पूरा बना भी नहीं है, लिस्ट पूरी बनी भी नहीं है, एमआरएनए अभी आधी ही बनी है, 3 ही बनी है, और क्या बनना शुरू हो गया? टीआरएनए क्या बनाना शुरू कर दिया है? अमीनो एसिड लाना शुरू कर दिया है, और यहाँ पे प्रोटीन बनना शुरू हो गया है, साइमल्टेनियसली बनना शुरू हो गया है। ओके, और अभी ये बनता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरा राइबोसोम आरएनए बैठ जाएगा। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, यहाँ पर दूसरा वाला बैठ जाएगा, इधर पे अभी दूसरा वाला बैठा हुआ है, तो भाई फटाफट फटाफट बने जा रहा है। Consequently, the transcription and translation can be coupled in bacteria. तो translation and transcription क्या होता है? coupled process है बैक्टीरिया में, very very important. तो in eukaryotes, eukaryotes में क्या होता है? There are 2 additional complexity, 2 additional complexity है क्या, कि यहाँ पे 3 आरएनए पॉलीमरेज है। रमता जोगी, मैं रमता जोगी है ना, 3 बंदों को लगा रखा है, 3 आरएनए पॉलीमरेज है, 1, 2 and 3। ठीक है, 3 लगे हुए हैं। देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर, भाई क्लियर कट डिवीजन है कि 1 क्या बनाएगा? 1 बनाएगा आरएनए बनाएगा, राइबोसोमल आरएनए बनाएगा। 2 क्या बनाएगा? आरएनए। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या बनाएगा? टीआरएनए बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा। ओके, वन मोर थिंग, यहां पर डायग्राम से पहले हम समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। यहाँ आपका प्रोमोटर टर्मिनेटर रीजन है, स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन में क्या हो रहा है कि एमआरएनए बन रहा है। अब एमआरएनए में क्या है कि इंट्रॉन्स भी है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए जरूरत नहीं है, तो हम क्यों मेहनत खराब करेंगे हमारे राइबोसोमल आरएनए का, तो हम क्या कर रहे हैं इन इंट्रॉन्स की चुटैया बना रहे हैं ना, ये बेकार चीजें हैं। जैसे तुमने नोट्स बनाए, मैंने बोला कि भाई पूरे बुक का ना नोट्स बनाना, अब तुम दुनिया भर की चीजें लिख रहे हो, पूरा सेंटेंस में भरे पड़े हो। मैंने बोला कि भाई सिर्फ फ्लो चार्ट में बनाओ, डिफ्रेंशिएट करके बनाओ, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, पूरा भरे पड़े हो, हाँ कचरा। तो मैं क्या कर रही हूँ, उन सबको फाड़ रही हूँ, उन सारे पेज को फाड़ रही हूँ, ठीक है, उसको बिल्कुल ऐसे मरोड़ के ना फाड़ के फेंक रही हूँ, फाड़ के सारा फेंक रही हूँ। ओके, और अब मैं क्या बोल रही हूँ, इसको आगे सजा दो, पीछे भी सजा दो, बिल्कुल सुंदर सा, आगे कवर लगा दो, पीछे कवर लगा दो। तो आगे जो कवर लगाई आपने और पीछे जब कवर लगाई, जो पहले जो आपका एमआरएनए था ये क्या था, एचएनआरएनए, बिल्कुल अच्छा नहीं था, जो आपका नोट्स था ना अब अच्छा नहीं था, अब आपका नोट्स अच्छा हो गया, अब आप पढ़ोगे ना एक बार में आपको याद हो जाएगा चीज, ठीक है। तो हमने इसकी कैपिंग कर दी, हमने इसकी टेलिंग कर दी, एंड नाउ योर नोट्स इज रेडी, सो नाउ द एमआरएनए इज रेडी, यस आई एम गोइंग टू मीट टीआरएनए, आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ प्रोटीन ट्रांसलेशन, ठीक है, प्रोटीन बनाने वाला हूँ। ओके, सो ये रेडी हो गया। और कैपिंग किसकी होती है, टेलिंग किसकी होती है, ये पता होना चाहिए। कैपिंग किस प्राइम में होता है, किस पोलैरिटी में होता है, और टेलिंग किस पोलैरिटी में होता है, तो पता होना चाहिए। तो भाई याद रहता है कि ये 5 to 3 ही बनाता है ना, ये लोग कैसे काम करते हैं, 5' to 3' इनकी पोलैरिटी होती है, जो एमआरएनए ये बनाते हैं उसकी। और एक चीज आपको याद रखनी है बच्चे, कि जो ये बनाते हैं ना आरएनए, ठीक है, ये जो आरएनए बनाते हैं आरआरएनए, वो 28S, 18S एंड 5.8S और 5S टाइप का होता है, ठीक है, 5S टाइप का होता है। ये किस में होता है बेटा, यूकैरियोट में, यूकैरियोट में। और प्रोकैरियोट में यही कौन कौन से तरह का होता है, 23, 16, 5S। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ये जब एनसीईआरटी में ये लाइन दी हुई है तो आपको दोनों पता होना चाहिए कि किस किस तरह का आरएनए बन रहा है। ओके, सो आरएनए पॉलीमरेज 3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए। सिर्फ टीआरएनए नहीं बना रहा है, 3 सिर्फ टीआरएनए नहीं बना रहा है, 5 एसआरआरएनए एंड एसएनआरएनए, ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जब इसका फुल फॉर्म दिया है तो इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। एंड आरएनए पॉलीमरेज 2 एमआरएनए बना रहा है और एचएनआरएनए बनाता है। एचएनआरएनए का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। तो ये पूरी लाइन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यूकैरियोट का दिया है, प्रोकैरियोट का आप ऐड कर लेंगे। 28S और 23S ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे हमें आगे बताऊंगी। द सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी, पहला कॉम्प्लेक्सिटी तो इसमें यह है कि 3 बंदे काम करेंगे, तीनों अलग अलग तरह का आरएनए बनाएंगे। सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी ये है दैट प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बोथ द एक्सॉन एंड इंट्रॉन, ठीक है, जो एचएनआरएनए बना है उसमें इंट्रॉन एक्सॉन दोनों है, और जो इंट्रॉन है वो नॉन फंक्शनल है, मतलब पूरा का पूरा एचएनआरएनए है ना, एचएनआरएनए इज नॉन फंक्शनल, ठीक है। तो बेटा जब जीन एक्सप्रेशन होता है ना, इसका नॉन फंक्शनल का मतलब है कि मान लो आपके बॉडी में कुछ तुम प्रोटीन बहुत खाते हो, तो मान लो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम बनाना है, और ना कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि तुम प्रोटीन बिल्कुल नहीं खा रहे हो, तो बॉडी को पता है कि तुम प्रोटीन खाते हो, उस टाइम पे प्रोटीन खाते हो, फिर उसके बाद ना जो बॉडी बनाना स्टार्ट कर दी कि अच्छा ये तो प्रोटीन खाएगा भी, एचएनआरएनए तक पता चला कि भाई ये तो अब प्रोटीन खा ही नहीं रहा बंदा। हाँ, जैसे लैकोपेरोन में होता है कि जब ग्लूकोज आएगा, लैक्टोज आएगा तभी वो वर्क करेगा, तो ऐसे ही जब तुम प्रोटीन खा नहीं रहे हो तो एचएनआरएनए तक जाकर ना पता चल रहा है कि नहीं जरूरत नहीं है एंजाइम बनाने की, तो फिर ये क्यों बनाए एंजाइम, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करे, तो एचएनआरएनए में ही ना स्टॉप कर देता है आगे, ठीक है। एचएनआरएनए बन के बस अब उसको वापस से यूज कर लिया जाएगा, लेकिन अभी स्प्लाइसिंग वगैरह नहीं होगी, समझ गए। सो हैंस इट इज सब्जेक्ट टू अ प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग। तो एचएनआरएनए बनने का भी एक फायदा है बेटा हमारी बॉडी में, कि हम इस तरह से हर अलग अलग स्टेप पे ना अपने जीन के एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन रुक गया। सो प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग वेयर द इंट्रॉन्स वर रिमूव्ड। स्प्लाइसिंग प्रोसेस में क्या होता है, इंट्रॉन्स को हटाया जाता है और एक्सॉन को ज्वाइन किया जाता है। और जो स्प्लाइसिंग होती है, जो एक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग होती है। जो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्प्लाइसीज़ोम, ठीक है। स्प्लाइसीज़ोम्स ऑफ किसका है, इंट्रॉन का है, इंट्रॉन्स का है। ओके, ये सारे स्ट्रक्चर स्प्लाइसीज़ोम्स हैं इंट्रॉन्स के। hnRNA undergoes additional process such as capping and tailing होती है। कैपिंग किसकी होती है, मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मैम याद नहीं रहता है ये नाम, बार बार भूल जाते हैं। और क्वेश्चन में अगर ऐसा दे दिया तो कि मिथाइल होगा, इथाइल होगा, क्या होगा, तो मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट को ऐसे याद रखो कि मैंने क्या बोला कि ये हमारा भाई है। hnRNA कौन है, भाई है। तो भाई ना, भाई को हमको अच्छा बनाना है। भाई को क्या बनाना है, भाई थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन इसके ब्रेन में चलेगी, तो हमको इसको अच्छा बनाना है। तो हमने इसका क्या किया, शुद्धिकरण कर दिया भाई, चुटैया उटैया कटवा दी, है ना, टकला करवा दिया, शुद्धिकरण करवा दिया। अब इसको बोल रहे भाई तू टकला हो गया, तू अब कैप पहन ले, कैप पहन ले, ठीक है। तो जो भाई है ना, अब अच्छा भाई बन गया। अब ये भाई ना तुम्हारे लिए मिठाई लेके आ रहा है। तो मिठाई से याद रखो बेटा, मिठाई से याद रखो, मिथाइल याद रहेगा, अब हमेशा याद रहेगा, जब भी क्वेश्चन में आया याद आएगा, अरे वो भाई था मेरा, है ना, hnRNA मेरा भाई है। तो भाई मिठाई लेके आता है, कुछ मीठा हो जाए बहना। तो मिठाइल ग्वानोसाइन, मिठाई में क्या लेके आया है, गुलाब जामुन। ग्वानोसाइन और गुलाब जामुन मिल रहा है, ठीक है। ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट तो याद रहेगा, इतना तो मतलब कॉमन सेंस है ना, ठीक है, कि यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट ही यूज हो रहा है। फिर उसके बाद भाई की ना टेल भी लगा दी गई। ये तो गलत हुआ भाई के साथ, ये तो भाई के साथ गलत हुआ, लेकिन टेल इसलिए लगाई ना भाई पे नजर रखने के लिए, ठीक है। टेलिंग कर दी गई। और टेलिंग किसकी हुई है बेटा, टेलिंग किसकी हुई है, टेलिंग हुई है एडिनाइलेट रेसिड्यू की। 200 से 300 एडिनाइलेट रेसिड्यू की को ऐड करके टेल बनाया गया है, ठीक है। तो अब ये भाई हमारा क्या बन गया, hnRNA से अच्छा वाला mRNA बन गया, मास्टर भाई बन गया हमारा। क्लियर हो गई चीजें। तो बच्चे इस तरह से पढ़ोगे तो मजे ही आना है। इट इज फुली, मजा के साथ हमेशा याद रहता है। जितने स्टूडेंट है मेरे, कभी भी मैंने जो भी स्टोरी बताई है उनको अभी तक पढ़ाया बहुत पहले, लेकिन अभी तक सारी स्टोरी याद है। और स्टोरी के दम पे 90% मार्क्स 12th में, फिर नीट में भी मोस्टली बच्चों का 90% स्कोर आया था नीट में, बायोलॉजी में। अब फिजिक्स केमिस्ट्री में कितना आया उसकी वजह से जो हुआ वो अलग बात है, लेकिन बायोलॉजी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इट इज फुल्ली प्रोसेस्ड hnRNA एंड नाउ mRNA दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन। अब ये कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस से बाहर जाएगा। ओके, न्यूक्लियस से बाहर जाएगा ये, और कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा बेटा। ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाएगा, सेंट्रल डॉग्मा। द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटी। अब इतना नखड़ा करने की जरूरत क्या है भाई, ये hnRNA mRNA बनाना, इस सब की जरूरत क्या है, पहले बताया जीन एक्सप्रेशन के टाइम पे हेल्प करता है। दूसरा और क्या दिया है, इज नाउ बिगिनिंग टू बी अंडरस्टूड, अब इसको समझना शुरू कर रहे हैं। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट प्रोबेबली एन एंशिएंट फीचर ऑफ द जीनोम। ये जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है ना, जो बीच बीच में जो इंट्रॉन्स आ रहे हैं, ये एंशिएंट के कुछ फीचर्स हैं। मतलब उस समय हो सकता है कि कोई ऐसा एंजाइम बन रहा है, ठीक है, जो अब नहीं बन रहा हमारे में, तो इस तरह का कुछ है। द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज रेमिनिसेंस ऑफ एंटिक्विटी एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। इन रिसेंट टाइम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आरएनए एंड आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेस इन लिविंग सिस्टम हैज एज्यूम्ड मोर इम्पोर्टेंट। देखो, आरएनए वर्ल्ड, डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड, मतलब कि आरएनए ही डीएनए का बाप है। आरएनए पहले आया था, पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए आया था। वो अलग बात है कि अब डीएनए मास्टर बन गया, लेकिन आरएनए पहले आया। तो ये क्या बताता है कि आरएनए का डोमिनेंस, कि भाई आरएनए कह रहा है कि मैं तो अपने साथ वो पुरानी चीजें लाऊंगा जो एंशियंट लोगों में थी ना, जो बैक्टीरिया में था, सब था, वो सब सारी चीजें मैं लेकर के आऊंगा। वो अलग बात है तुमको एक्सप्रेस कराना नहीं कराना। बॉडी क्या बोल रही है, हमको जो इंट्रॉन में चीजें लिखी ना वो हमको एक्सप्रेस नहीं कराना, हमको ह्यूमन में या यूकैरियोट में वो सारी क्वालिटी नहीं चाहिए भाई, समझ गए। तो आई होप कि इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स। नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड। During replication and transcription, a nucleic acid was copied to form another nucleic acid. Replication and transcription में nucleic acid copy होता है दूसरे nucleic acid में, DNA में, DNA RNA में copy होता है। Hence, these processes are easy to conceptualize on the basis of complementarity. ये बहुत easy है बताना कि DNA से कौन सा DNA बनेगा, ठीक है, फिर डीएनए से कौन सा एमआरएनए बनेगा, क्योंकि हमको कॉम्प्लीमेंट्री का जो प्रिंसिपल है वो हमें पता है कौन किसके साथ कॉम्प्लीमेंट होता है, पेयर। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टू सिंथेसाइज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। लेकिन देखो, अभी तक डीएनए से डीएनए बना, डीएनए से एमआरएनए बना, वो चीज तो ठीक थी, लेकिन अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है कि भाई डीएनए से एमआरएनए बना। एमआरएनए वेरी इजी था क्योंकि प्रोसेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हम अप्लाई कर रहे थे। अब एमआरएनए से हमारा जो प्रोटीन बनेगा, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि एमआरएनए में जो कोडिंग है उससे प्रोटीन बनेगा, तो बनेगा कैसे, ठीक है, जो एमआरएनए में लिख करके आया गया है उससे भाई प्रोटीन कैसे बन जाएगा, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाली चीज है। अमीनो एसिड कैसे बनेंगे, हाँ, इसमें किस तरह से अमीनो एसिड की कोडिंग दी हुई है, अमीनो एसिड कैसे बनेंगे, और फिर इस अमीनो एसिड से प्रोटीन कैसे बने। नीदर डज एनी कॉम्प्लीमेंट्री एग्जिस्ट, कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स एंड अमीनो एसिड। न्यूक्लियोटाइड्स और अमीनो एसिड के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है कि ए है तो आपका फिनाइल एनानिन बन जाएगा, टी है तो मेथियोनिन बन जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो अब क्या करें, नॉर कुड एनी ड्रॉन थियोरेटिकली भी ऐसा कुछ नहीं है। देयर एग्जिस्टेड एम्पल एविडेंस दो टू सपोर्ट द नोशन दैट चेंज इन न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन अमीनो एसिड इन प्रोटीन। दिस लेड टू प्रपोजिशन इन ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल दैट कुड डायरेक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। वही सेम चीज दी हुई है कि भाई क्या चीज है, ठीक है, क्या चीज है ऐसा जो रिस्पॉन्सिबल है अमीनो एसिड बनाने के लिए एमआरएनए से। So, if determining the biochemical nature of genetic material and the structure of DNA was very exciting, ठीक है? The proposition and deciphering of genetic code were most challenging in a very true sense. It requires involvement of scientists. अभी क्या है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतना चैलेंजिंग है कि इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया, फिजिसिस्ट ने, ऑर्गेनिक केमिस्ट ने, बायोकेमिस्ट ने, जेनेटिसिस्ट ने, सबने काम किया। इट वॉज गॉर्ग गैमो, मैंने बोला है ना सारे साइंटिस्ट का नाम एक साथ लिख लेना है आपको एक पेज में, इस पूरे चैप्टर में खाली साइंटिस्ट का नाम है। इट वॉज गॉर्ग गैमो, अ फिजिसिस्ट, एक फिजिसिस्ट थे, याद रखना, फिजिसिस्ट थे या केमिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, क्या थे, गॉर्ग गैमो, ठीक है। इन्होंने क्या दिया, जेनेटिक कोड, जी फॉर जेनेटिक कोड, और ये क्या थे, फिजिसिस्ट थे। हु आर्ग्यूड दैट सिंस देयर वर ओनली 4 बेस, इन्होंने बोला कि भाई 4 बेस है, ठीक है, 4 बेस है। अब ये 4 बेस कितने अमीनो एसिड बनाने, यहाँ पे 20 अमीनो एसिड, ठीक है, 20 अमीनो एसिड है। 20 अमीनो एसिड को समझो कि लड़के हैं, ठीक है, मैंने बोला ना हमेशा मॉलिक्यूल को क्या समझना है कि ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। और ये 4 लड़कियां, ये 4 लड़कियां, एटीजीसी 4 लड़कियां हैं, और ये बहुत सारे लड़के, 20 अमीनो एसिड। अब 20 अमीनो एसिड और 4 लड़कियां, कैसे शादी होगी, कैसे कोड करेंगे भाई। इफ दे हैव टू कोड फॉर 20 अमीनो एसिड, द कोड शुड कॉन्स्टिट्यूट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसेस, कॉम्बिनेशन होना चाहिए बेस का। अकेले अकेले तो ये 4 एडेनिन फिनाइल एडेनिन बना लेगा, मान लो टी जो है मेथियोनिन बना लेगा, सी सिस्टीन बना लेगा, जी जो है ल्यूसिन बना लेगा, तो बाकी कहाँ जाएंगे, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो 4 की पावर अगर हम 1 करेंगे, अकेला अकेला अगर हम रखेंगे तो हमारे पास 4 ही बनेगा, तो अगर हम इसका डबल करते हैं तो हमारे पास 16 बनेंगे। लेकिन फिर भी हमारे पास जो बाकी अमीनो एसिड हैं चार अमीनो एसिड ना वो बच गए। चार अमीनो एसिड क्या बॉडी में अगर नहीं बनेगा तो समझो उन चार अमीनो एसिड की वजह से बहुत सारी चीजें अल्टर हो जाएंगे, आपके डेफिशिएंसी हो जाएगी। उन चार अमीनो एसिड का रहना जरूरी है, एक एक बेस का रहना जरूरी है, एक एक अमीनो एसिड का रहना जरूरी है। तो भाई ये तो नहीं होगा। फिर इन्होंने क्या बोला, अगर 3 का कोड कर दें तो क्या होगा, तो अच्छा हो जाएगा 64। तब तो अच्छी बात है, लड़कियां ज्यादा लड़के कम। अगर 3-3 का कोड ले लें, अगर हम 3-3 का कोड ले लें तब तो बढ़िया हो जाएगा 64। एक्स्ट्रा लड़कियां बच रही है ना, बढ़िया है। लड़के हमारे क्या है, लड़के हमारे दिलदार हैं, उन एक्स्ट्रा लड़कियों का ख्याल रख लेंगे। एक जो है लड़का 3 शादी 4 शादी कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 20 है ना, 20 है, बाकी जो है 3-4 शादी कर लेंगे। और ये होता है आपके अमीनो एसिड का डीजेनरेट कोड, डीजेनरेट कैरेक्टर। ठीक है, एम्बिजियस भाई, बहुत एम्बिशियस है कि हमें और शादी करनी है, और शादी करनी है। तो मजेदार है जेनेटिक कोड, अभी पढ़ लो, इतने अच्छे से पढ़ा दूंगी आपको, बहुत मजेदार है। ही suggested that in order to code for 20 amino acid, 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए, 20 लड़कों की शादी कराने के लिए हमको 64 लड़कियां चाहिए, और एक लड़का जो है एक्स्ट्रा लड़कियों से शादी कर ही लेगा तो क्या हो जाएगा, है ना। तो ऐसी कहानी चल रही है, इस तरह से 3-3 का कोड बना रहे। इट वॉज वेरी बोल्ड प्रपोजिशन बिकॉज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ 4 की पावर 3 वुड जनरेट 64 कोडॉन एंड जनरेट मैनी कोडॉन देन रिक्वायर्ड। जितना चाहिए उससे ज्यादा बन रहा था। और इसका फायदा भी ये था कि कोई जरूरी नहीं है कि एक अमीनो एसिड बनाने के लिए एक पर्टिकुलर वही कोड चलेगा, वही नाइट्रोजन बेस चलेंगे। भाई अच्छा है, एक अमीनो एसिड बनाने के लिए और भी नाइट्रोजन बेस से काम चल जाएगा। तुम नहीं तुम सही, तुम नहीं तुम सही। सो प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट कोडॉन वाज अ ट्रिपलेट वाज अ मोर डॉन्टिंग टास्क। अब ये टास्क तो बता दिया कि भाई ट्रिपलेट होते हैं, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है कि कैसे, कौन सा ट्रिपलेट क्या बनाएगा, ये डिफिकल्ट टास्क है। द केमिकल मेथड डेवलप्ड बाय हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना साइंटिस्ट आए, इन्होंने ठीक है वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसिस एमआरएनए मॉलिक्यूल। इन्होंने लैब में एमआरएनए बनाया, ठीक है, सिंथेटिक एमआरएनए बनाया, न्यूक्लियोसाइड्स ले करके ठीक है। ए मान लो ए न्यूक्लियोसाइड लिया, या फिर यू न्यूक्लियोसाइड लिया, इस तरह से अलग अलग न्यूक्लियोसाइड लिए, और फिर उनसे पता लगाया कि किस तरह का अमीनो एसिड बन रहा है। ठीक है, तो मान लो एक बार उन्होंने ए हर सिर्फ एक तरह का इसमें नाइट्रोजन बेस डाला, ठीक है, सिर्फ एक तरह का नाइट्रोजन बेस डाला। तो जो एमआरएनए आया वो कैसा आया, ए फिर ए इस तरह से आ रहा है। ओके, इस तरह से आ रहा है। विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, यहाँ पर क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस थे, तो कुछ बने होमोपॉलीमर जिसमें एक जैसे हैं कोडॉन, ठीक है, एक जैसे कोडॉन है। देखो 3-3 ए ए ए ए ए ए ए ए इस तरह से चल रहा है, या मान लो यू 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 यू, ठीक है, यू 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 इस तरह से चल रहा है, यू 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 ऐसे चल रहा है। तो इनको क्या बोला इन्होंने, होमोपॉलीमर। क्या बोला बेटा, होमोपॉलीमर बोला। फिर इन्होंने जार लिया और जार में 2 तरह के बेस डाले, मान लो सी और जी डाल दिया, सी जी ऐसा डाल दिया। तो क्या बन रहा है देखो, सी जी सी बन गया, ठीक है। फिर और मान लो और कुछ डाल दिया इन्होंने, सी जी यहाँ पर ए डाल दिया, ठीक है, ऐसे। तो फिर क्या बन रहा है, सी जी सी के साथ फिर मान लो ए सी जी इस तरह से। तो इसको क्या बोल रहे हैं, हेटेरोपॉलीमर। इसको क्या बोल रहे हैं बेटा, हेटेरोपॉलीमर। तो अलग अलग तरह से इन्होंने अमीनो एसिड लिए, तो अगर एक तरह का बन रहा है तो उसको होमोपॉलीमर, और अलग बन रहा है तो हेटेरोपॉलीमर, या उसको हम क्या बोलते हैं, कोपॉलीमर, इन्होंने उसको कहा, ठीक है। और फिर इससे निकाला कि इस तरह के कॉम्बिनेशन से एक अमीनो एसिड बन रहा है, इस तरह के कॉम्बिनेशन से एक अमीनो एसिड बन रहा है। इन लोगों ने और क्या देखा कि भाई एक बार जो है ना, ये जो अमीनो एसिड है पर्टिकुलर, मान लो फिनाइलएलेनिन है, फिनाइलएलेनिन भाई यूयूयू से भी बन रहा है, मान लो, ठीक है, मुझे कोड अभी याद नहीं, यूयूयू से भी बन रहा है। फिर मान लो फिर देख रहे हैं वही फिनाइलएलेनिन यूजीसी से भी बन रहा है। तो बोले अच्छा, अब समझ में आया कि जो हमारा अमीनो एसिड है ना, अमीनो एसिड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोडॉन से भी बन सकता है, लेकिन एक कोडॉन पर्टिकुलर टाइप के अमीनो एसिड को ही बनाती है, ठीक है। तो अमीनो एसिड का प्यार तो कोडॉन का प्यार तो सच्चा है, लेकिन अमीनो एसिड जो है ना उसका प्यार सच्चा नहीं है। सो मार्शल निरबर्ग सेल फ्री सिस्टम, दूसरे साइंटिस्ट कौन है? मार्शल निरबर्ग। फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प द कोड टू बी डिस्फर्ड, इन्होंने फाइनली हेल्प किया कि अच्छा ये वाले कोड से ये अमीनो एसिड बन रहा है, ये वाले कोड से ये वाला अमीनो एसिड बन रहा है। फिर तीसरे साइंटिस्ट कौन है? सेवेरो ओचा। इन्हीं के नाम पे क्या है? एंजाइम है, सेवेरो ओचा एंजाइम। और इस एंजाइम का क्या नाम है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। और जो खुराना थे ना, हरगोबिंद खुराना, इन्होंने यहाँ पे एंजाइम डाला। भाई बिना एंजाइम के तो काम नहीं होगा ना, कैसे जुड़ेगा सब कुछ, हाँ बिना एंजाइम के तो काम नहीं चलेगा। तो इन्होंने क्या एंजाइम डाला था? न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। इसका यूज क्या किया था बेटा, किसमें किया गया था? सिंथेटिक आरएनए बनाने में, सिंथेटिक आरएनए बनाने में किया गया था। ठीक है। वॉज ऑल्सो हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग आरएनए विथ डिफाइंड सीक्वेंस इन अ टेम्पलेट। टेम्पलेट को देख देख करके, ठीक है, एक टेम्पलेट दे दिया, उसको देख करके भाई न्यूक्लियोसाइड डाल दिया, टेम्पलेट डाल दिया गया, लो भाई टेम्पलेट, न्यूक्लियोसाइड डाल दिया गया, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड डाल दिया गया, और इसको बोला कि भाई तुम मैच करके बना लो। सिंथेटिक आरएनए बनाया इंडिपेंडेंट मैनर, एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए। फाइनली ये चेकर बोर्ड, फिर उसके बाद चेकर बोर्ड प्रिपेयर किया गया, चेकर बोर्ड प्रिपेयर किया गया। ये है चेकर बोर्ड, ठीक है, ये बहुत आसान है। चेकर बोर्ड क्या करना है? इसमें UCAG लिख देना है, इधर पे UCAG लिख देना है, और हर बोर्ड पे क्या लिखना है? UCAG, हर बॉक्स के पास UCAG, फिर यहाँ पे UCAG। देख रहे हो, आसान है चेकर बोर्ड बनाना। अब U लास्ट का ये वाला U, तो यहाँ पर U, फिर U, यहाँ पर C है तो C, फिर U तो U, फिर यहाँ पे A है तो A, ऐसे ही U C, यहाँ पर U है तो U। समझ गए, इस तरह से ये बनता जाता है। अब यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है? एक वर्ड हम सुनते हैं, ठीक है, ambiguous, degenerative और यूनिवर्सल। इनका मतलब क्या है? देखो, अनएम्बिगुअस का मतलब ये है कि जो कोडॉन है ना, कोडॉन है जैसे कि U कोडॉन है, ठीक है, ये लड़की है। कोडॉन क्या है? लड़की है। हमने क्या बोला कि कोडॉन क्या है? लड़की है। लड़की का प्यार सच्चा, लड़कों का प्यार धोखा। तो ये लड़की है, लड़की कम है और लड़के बहुत सारे हैं। तो ये जो यू लड़की है ना, ये बोल रही है मैं तो सिर्फ किसकी हूँ? फिनाइल एलेनिन की हूँ, ठीक है, तू मेरी मैं तेरा। लेकिन यहाँ पर वो कहानी नहीं है, तू मेरी मैं तेरा। ये भाई, ये तो इसको दिलो जान से चाहती है कि यू बोल रही है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए बनी हूँ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ फिनाइल एलेनिन को बनाऊंगी। लेकिन फिनाइल एलेनिन बोल रहा ना, मुझे तू भी चलेगी, मुझे UUC भी चलेगी, ठीक है, मुझे तू भी चलेगी, मुझे UUC भी चलेगी। अगर तू नहीं, यू नहीं तो UUC से भी काम चल जाएगा, ठीक है, तू नहीं वो सही, वो नहीं वो सही। लेकिन इन सब में सबसे बदमाश कौन है पता है? इन सब में सबसे बदमाश टाइप का कौन है? इन सब में सबसे बदमाश टाइप का है बेटा आपका ल्यूसिन। ल्यूसिन देखो, ल्यूसिन कितनी लड़कियों को डेट कर रहा है? ल्यूसिन कितनी लड़कियों को डेट कर रहा है? बदमाश लड़का, बदमाश टकला लड़का कितनी लड़कियों को डेट कर रहा है। ये बोल रहा है कि मेरे लिए UUA भी चलेगी, UUG भी चलेगी, CUU भी चलेगी, CUC भी चलेगी, मेरे लिए CUA भी चलेगी, CUG भी चलेगी। मतलब छह कोडॉन चलेंगे मेरे लिए एक अमीनो एसिड बनाने के लिए। UUA नहीं तो UUG भी चलेगा, ठीक, तो 6 कोडॉन चलेंगे। तो इस नेचर को क्या बोलते हैं? डीजेनरेटिव। डीजेनरेटिव का मतलब ही होता है कुल, मतलब थोड़ा सा पथभ्रष्ट होना, ठीक है, डीजेनरेट होना मतलब कि पथभ्रष्ट होना, थोड़ा सा दुराचारी होना। तो ये थोड़ा सा दुराचारी टाइप का है, ठीक है, कि चलो भाई तुम नहीं तुम सही, तुम नहीं तुम सही। लेकिन अनएम्बिगुअस ये बोल रही मुझे और कोई एम्बिशन नहीं है लाइफ में, सिर्फ तुम और तुम, फिनाइल एलेनिन। UUA बोल रही है मुझे सिर्फ और सिर्फ ल्यूसिन चाहिए, UUG बोल रही है मुझे सिर्फ और सिर्फ ल्यूसिन चाहिए। तो ये लोग तो भाई अपने पार्टनर के प्रति वफादार हैं, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि ये लोग क्या हैं? लड़के तादाद में ज्यादा हैं, लड़कियां कम हैं, सॉरी लड़कियां ज्यादा हैं, लड़के कम हैं। तो भाई 20 लड़के ज्यादा लड़कियां, तो एक एक लड़का ज्यादा लड़कियों से शादी कर रहा है। और उसके बाद जो बदमाश है वो कौन है आपका? प्रोलीन, प्रोलीन है, ठीक है, एलेनीन है, ये सभी बदमाश है। लेकिन इनमें से हर लड़का एक जैसा नहीं होता, हर लड़का एक जैसा नहीं होता, तभी तो सब कहते हो ना मेरा वाला अलग है। लेकिन रियल में हर लड़का एक जैसा ही होता है बेटा, है ना, हर लड़का एक जैसा ही होता है, मेरा वाला कोई अलग नहीं, सब इंसान है ना, सब इसी टाइप के होते हैं। तो इसमें से कुछ हैं जो डिजेनरेटिव नहीं है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन जो कि डिजेनरेटिव, डिजेनरेटिव नहीं है, याद रखना, जो डिजेनरेटिव नहीं है वो कौन है बेटा? मैथियोनिन, मैथियोनिन, एयूजी, मैथियोनिन, ठीक है, एयूजी और मैथियोनिन, ये दोनों के लिए ये गाना बना है। तू मेरी मैं तेरा दुनिया से क्या लेना। दूसरा यूजीजी और ट्रिप्टोफैन, ठीक है, इसके नाम के साथ फैन है लेकिन इसको कोई फैन नहीं चाहिए, इसको यूजीजी और ट्रिप्टोफैन, यूजीजी ट्रिप्टोफैन, तू जो बोलेगी वही जीजी, है ना, ट्रिप्टोफैन, यूजीजी, एयूजी और मैथियोनिन। तो मैं एयूजी स्टार्ट कोडॉन भी है और मैथियोनिन के लिए भी कोड करता है, तो ये डबल वर्क करता है, डबल वर्क करती है। ए कोडॉन हमारी लड़कियां हैं, ठीक है, तो ये कैसा है बेटा? नालायक है, डिजेनरेटिव। डिजेनरेटिव कहीं का। और ये कैसी है? ये क्या है? अनएम्बिजुअस, ठीक है, ये क्या बता रहा है? अनएम्बिजुअस, मैं सिर्फ तेरी, और ये बोल रहा है मैं बहुतों का, तो ये क्या है? डिजेनरेटिव है। समझ आया कि नहीं आया? अब समझ में आ गया, ठीक। इतने अच्छे से कौन बताएगा तुम लोग को? सब्सक्राइब कर लो चैनल। The silent feature of genetic code are follows. The codon is triplet. Codon triplet होता है। 61 codon code for amino acid. अब उन सब में जो है 61 codon ही शादी करेगी। 3 codon बोल रही है मुझे इन सब में नहीं फंसना, मैं नॉनसेंस ही सही। 3 codon जो है ना वो बोल रही मैं नॉनसेंस ही सही, है मैं नॉनसेंस ही सही। और ये क्या है? स्टॉप codon, ये बोल रही है ना 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 मुझे तो भाई सन्यास लेना है, मुझे इन सब में नहीं फंसना, मैं ये दुख नहीं झेल सकती। सो स्टॉप कोडॉन है, डोंट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, हेंस दे फंक्शन एज स्टॉप कोडॉन। सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, ठीक है, हेंस द कोड इज डिजेनरेट। कुछ अमीनो एसिड, कुछ क्या सारे ही ज्यादा शादियां करते हैं, है ना, ज्यादा गर्लफ्रेंड रखते हैं। दो ही हैं, मैथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, जो डिजेनरेटिव नहीं है, ठीक है। नॉन डिजेनरेटिव बार बार याद रखना बेटा, इससे क्वेश्चन बन सकता है। नॉन डिजेनरेट कौन है? मैथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, ओके। द कोडॉन इज रीड इन एमआरएनए इज कॉन्टिजियस फैशन। जो कोडॉन जो है रीड किया जाता है कॉन्टिजियस फैशन में। कॉन्टिजियस फैशन बोले तो लगातार 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 रीड किया जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ कोड किया फिर इसको कोड करने लगे, ऐसा नहीं, लगातार कोड होता है बेटा, लगातार कोड होता है, ठीक है। द कोड इज नियरली यूनिवर्सल। कोड क्या है? यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब कि चाहे तुम हो चाहे बैक्टीरिया, कोई अंतर नहीं है, तुम में बैक्टीरिया में कोई अंतर नहीं। बैक्टीरिया कह सकता है तू और मैं सेम, क्योंकि तेरे में यू 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 फिनाइलएलेनिन के लिए कोड करता है तो मेरे में भी, तो औकात की बात तो मत ही कर मुझसे। सो यू 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 बी फिनाइलएलेनिन बैक्टीरिया में भी यही सेम है, तुम में भी यही है, प्लांट में भी, सब में वही है। बकरी बंदर सब सब तुम्हारे अंदर ही है, और वैसे भी तुम्हारे बॉडी में ना जितना सेल नहीं उतने उससे ज्यादा बैक्टीरिया ही है। सम एक्सेप्शन टू दिस रूल हैव बीन फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स। कुछ एक्सेप्शन किसमें मिलता है? माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स में मिलता है, एंड इन सम प्रोटोजोन्स में मिलता है, वो थोड़े से अलग है। एयूजी हैज ड्यूअल, वो पढ़ना नहीं है आपको इतना डिटेल में। एयूजी हैज ड्यूअल फंक्शन, एयूजी का ड्यूअल फंक्शन है। मैथियोनिन के लिए कोड करता है, इनिशिएटर कोडॉन की तरह काम करता है। और टर्मिनेटर कौन है? उल्लू आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, ठीक है, यूए यूजी यूएजी यूजी। सो फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए प्रेडिक्ट द सीक्वेंस। इसका सीक्वेंस बताओ अमाइनो एसिड का, ठीक है, इसमें अमाइनो एसिड देख के बता सकते हैं ना, एयूजी से मैथियोनिन बन रहा है, यूयूयू से फिनाइलएलेनिन बन रहा है, ऐसे देख के बता सकते हो कौन सा अमीनो एसिड बन रहा है। अब साइंटिस्ट ने तो बना दिया, बढ़िया चीज। नाउ ट्राई द अपोजिट, अब अपोजिट बना के दिखाओ जरा, है हिम्मत? बना के दिखाओ। फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड दिया, बताओ बनाओ बनाओ। फिनाइलएलेनिन तो भाई दो चीज के लिए कोड कर रहा है, मेथियोनिन का तो बना दोगे। एयूजी आगे बताओ, आगे को क्या ऐड करोगे? हाँ, यूयूयू के लिए भी कोड कर रहा है और यूयूसी के लिए भी कोड कर रहा है। यूयूयू डालोगे कि यूयूसी डालोगे? कहाँ पर यूयूयू डालोगे, कहाँ पे यूयूसी डालोगे? नहीं हो सकता। नो, अगर ल्यूसीन आ गया तब तो और नहीं हो सकता, एलेनिन आ गया तो और नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं कर सकते भैया। कैन यू नाउ कोरिलेट विच टू प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड यू हैव लर्न? कौन सी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा? अभी ये जो बताया इन्होंने, क्या पढ़ा हमने? एम्बिजियस और अनएम्बिजियस और डीजेनरेट। ठीक है, ये वाला जो है ये डीजेनरेट है, नहीं कर सकते भाई। और वहां पर ये जो प्रोसेस है इससे हम क्या बता रहे हैं? अनएम्बिजियस। ठीक है, अनएम्बिजियस या नॉन एम्बिजियस इसको बोलते हैं। क्लियर हो गया? सो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप यू लाइक द लेक्चर। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे म्यूटेशन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सेशन बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं यहीं पे एंड करती हूँ। टेक केयर, बाय बाय, टाटा। खूब पढ़ो मन लगाकर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, समझे?